हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनपीएस क्लासेस। आई एम अंजनी कुमार तिवारी। चलिए, हम लोग क्लास नाइन्थ में पढ़ रहे थे कॉन्सेप्ट द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या पढ़ रहे थे? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हमने अपने पिछली वीडियो में बात की थी किसके बारे में? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। किसके बारे में बात की थी? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। आज हम बात किस पे करेंगे? हमारा एक अगला सेल ऑर्गेनेल है जिसका नाम क्या है? गॉल्जी कॉम्प्लेक्स है। जिसका नाम क्या है? गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, जिसको हिंदी में हम गॉल्जी काय कहते हैं। ठीक है ना? चलिए आइए देखते हैं क्या होता है। ठीक है, इसका पहले इसके बारे में कुछ जानेंगे, उसके बाद फिर इसका फंक्शन जानेंगे, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर जानेंगे। ओके ना, चलिए आइए। गॉल्जी बॉडी वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई कैमिलियो गॉल्जी इन 1898 इन एनिमल सेल। हुआ क्या कि गॉल्जी बॉडी को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, किसने खोजा था? कैमिलियो गॉल्जी ने। किसने खोजा था? कैमिलियो गॉल्जी ने। कैमिलियो गॉल्जी ने किसकी खोज की थी? गॉल्जी कॉम्प्लेक्स या गॉल्जी बॉडी। ठीक, यहाँ पे चाहे हम कॉम्प्लेक्स लिखें चाहे बॉडी लिखें, एक ही चीज होती है। ठीक है ना? इन कब किया था? 1898 में। कब किया था? 1898 में। ओके, इन एनिमल सेल। किसमें देखा था? एनिमल के सेल में देखा था। किसके सेल में देखा था? एनिमल के सेल में देखा था। आगे, गॉल्जी बॉडी आर आल्सो कॉल्ड डिक्टियोसोम इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में इसी गॉल्जी बॉडी को क्या कहा जाता है? डिक्टियोसोम कहा जाता है। यानी इनको, गॉल्जी बॉडी को हम प्लांट सेल में जब लिखेंगे तो इनको हम डिक्टियोसोम भी कह सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि हम गॉल्जी बॉडी उसमें नहीं लिखेंगे केवल डिक्टियोसोम, नहीं, हम गॉल्जी बॉडी भी लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी लिख सकते हैं, उसके साथ साथ डिक्टियोसोम भी लिख सकते हैं। कहाँ पे? प्लांट सेल में, पादप कोशिकाओं में। ठीक, पेड़ पौधों की कोशिकाएं जो होंगी उनमें। इट इज अ स्टैक ऑफ 3 to 20 फ्लैटेंड स्लाइटली कर्व सैक कॉल्ड सिस्टर्नी। इसमें क्या होता है? इट इज अ स्टैक ऑफ, ये क्या होती है? एक स्टैक होती है, स्टाक मतलब एक गुच्छा होता है। किसका? तीन या तीन से अधिक फ्लैटेंड स्लाइटली कर्व सैक। कर्व एक सैक, एक थैले की जैसे संरचना होती है कर्व, लेकिन कैसा होती है? कर्व में होती है, इस कर्व में। ठीक, कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। कैसे होता है? एक थैले नुमा संरचना होती है। कैसी होती है? सैक लाइक। ठीक, फ्लैटेंड मतलब चिपटी हुई, बीच में चिपटी हुई, किनारे किनारे सैक लाइक स्ट्रक्चर। और कैसे होता है? कर्व शेप में होता है। किस शेप में होता है? कर्व शेप में। इसे हम क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं। बात समझ में आई? स्मॉल स्फेरिकल सैक लाइक वेसिकल्स आर फाउंड नियर द एंड ऑफ सिस्टर्नी। सिस्टर्नी के अंत में एक सैक पाया जाता है। सिस्टर्नी के अंत में क्या पाए जाते हैं? सैक पाए जाते हैं। उन सैक को हम क्या कहते हैं? उन सैक को हम वेसिकल कहते हैं। उन सैक को क्या कहते हैं? हम वेसिकल। और यहाँ पे क्या कहते हैं? सिस्टर्नी। तो सिस्टर्नी क्या है? ये पार्ट सिस्टर्नी है, ये पार्ट क्या है हमारा? सिस्टर्नी है। लेकिन जो वेसिकल्स हैं, वेसिकल्स क्या होते हैं भाई? इसके बाद में अगर कुछ छोटे छोटे भी स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं क्या होते हैं हमारे? वेसिकल्स होते हैं। ये क्या होते हैं हमारी? ये हमारे होते हैं सिस्टर्नी के। तो वेसिकल सिस्टर्नी आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं, वेसिकल है सिस्टर्नी हैव अ वॉल ऑफ स्मूथ यूनिट मेम्ब्रेन एंड फिल विथ लिपिड रिच फ्लूइड। ये क्या होते हैं वेसिकल्स और सिस्टर्नी? क्या होती है कि स्मूथ वॉल होती है। किसकी? यूनिट मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन की एक स्मूथ वाल होती है। किसकी? वेसिकल्स और सिस्टर्नी की। और वो किससे भरी हुई होती है? फिल्ड विथ लिपिड रिच फ्लूइड, यानी लिपिड से युक्त फ्लूइड से वो क्या होते हैं? भरे हुए होते हैं। वेसिकल और सिस्टर्नी किससे भरे हुए होते हैं? लिपिड युक्त फ्लूइड से, लिपिड युक्त तरल पदार्थ से भरे हुए होते हैं। इतनी बात समझ में? आगे, वेसिकल्स आर ऑल्सो अटैच विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एट सम प्लेसेस। कुछ स्थानों पर ऐसे भी होता है कि जो वेसिकल्स होते हैं, ये जो वेसिकल्स हैं ये अटैच होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। किससे? विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये जो वेसिकल्स होते हैं ये जुड़े हुए होते हैं। एट सम प्लेसेस, कुछ स्थानों पर। कुछ स्थानों पर क्या होता है? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में ये वेसिकल्स आपस में अटैच्ड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। फिर से समझाते हैं, फिर से देखिएगा। सबसे पहले गॉल्जी कॉम्प्लेक्स या बॉडी जो थी उसका खोज किसने किया था? कैमिलियो गॉल्जी ने। कब किया था? सन 1898 में। ओके,
उसके बाद आगे की बात क्या हुई, कहाँ पे खोज हुई थी, तो खोज इसकी एनिमल सेल में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, एनिमल सेल में हुई थी। आगे गॉल्जी कॉम्प्लेक्स को हम डिक्टियोसोम भी कहते हैं। गॉल्जी कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम कहते हैं। कब कहते हैं, जब प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है, जब वो प्लांट सेल के अंदर है तो उस गॉल्जी बॉडी को हम क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम भी कहते हैं। ये कैसे होता है, तीन या तीन से अधिक, तीन से बीस के बीच में, थ्री से ट्वेंटी के बीच में फ्लैटेंड स्लाइटली कर्व लाइक सैक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं। उसके बाद कुछ इसमें छोटे छोटे स्मॉल स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, वेसिकल कहते हैं। ये कहाँ पे पाउंड पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं एंड ऑफ द सिस्टर्नी, सिस्टर्नी के अंत में पाए जाने वाले जो छोटे छोटे स्फेरिकल लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम वेसिकल कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। आगे वेसिकल एंड सिस्टर्नी का जो वाल होता है, वाल कैसे होता है, सिंगल लेयर होती है, उसके साथ साथ स्मूथ वाल होती है। वाल कैसी होती है, स्मूथ, स्मूथ मतलब चिकनी, ओके, एंड आर फिल्ड विथ लिपिड रिच फ्लूइड, और वो किससे भरे हुए होते हैं, वो सब एक लिपिड युक्त पदार्थ से, लिपिड युक्त तरल पदार्थ से ये सारे भरे हुए होते हैं। इतनी बात समझ में आई। फिर आगे देखिए, वेसिकल्स आर आल्सो अटैच्ड विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एट सम प्लेसेस, कुछ स्थानों पर ये जो वेसिकल्स होते हैं किससे अटैच्ड होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी अटैच्ड होते हैं कुछ स्थानों पर, यानी एट सम प्लेसेस, कुछ स्थानों पर जो वेसिकल्स होते हैं हमारे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी अटैच्ड होते हैं। इतनी बात समझ में आई। इसको राइट डाउन कर लीजिए, राइट डाउन करिए तो उसके बाद आगे बताते हैं इसके फंक्शन क्या होते हैं, और फिर उसके बाद इसका फिगर बताते हैं आपको। चलिए अब हम बात करते हैं इसके फंक्शन की, यानी जो गॉल्जी कॉम्प्लेक्स होती है इसका फंक्शन क्या होता है। पहला फंक्शन, इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन, हार्मोन के फॉर्मेशन में गॉल्जी कॉम्प्लेक्स मदद करती है, ओके। दूसरा, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, जब लाइसोसोम का फॉर्मेशन होना होता है उस समय ये बहुत मदद करती है गॉल्जी कॉम्प्लेक्स लाइसोसोम के फॉर्मेशन में, ओके। तीसरा, इट फॉर्म द एक्रोसोम ऑफ स्पर्म, स्पर्म का जो एक्रोसोम पार्ट होता है इस पार्ट को फॉर्म करने के लिए गॉल्जी कॉम्प्लेक्स एक अहम भूमिका बनाती है, और उसके साथ साथ एक्रोसोम क्या करता है, ओवम को जब फर्टिलाइजेशन करना होता है तो ये उस ओवम के वाल को भी डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है ना। इसलिए इट फॉर्म द एक्रोसोम ऑफ स्पर्म, स्पर्म का एक्रोसोम भी ये बनाता है। इट इज द कंपोनेंट ऑफ इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये क्या होता है, ये कंपोनेंट होता है, एक उसका एक रूप होता है, कब, कंपोनेंट ऑफ इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मतलब क्या हुआ, कि ऐसे कोई भी ट्रांसपोर्टेशन, ऐसा कोई भी ट्रांसपोर्टेशन जब कहाँ पे होता है, इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर का मतलब होता है इनसाइड द सेल, इसका मतलब क्या होता है, इनसाइड द सेल, यानी अगर कोई भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ पे हो रहा है, सेल के इनसाइड हो रहा है, उसका जो कंपोनेंट होता है गॉल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है ना। इसके जरिए क्या होता है, सेल से सेल में ट्रांसपोर्टेशन एक अच्छी तरीके से हो जाता है। बात समझ में आई, यानी ये मदद करता है किसमें, इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी मदद करता है, यानी सेल के इनसाइड एक सेल से दूसरे सेल में अगर कोई भी चीज ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्ट होना है तो किसकी मदद से होगा, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स की मदद से होगा। इतनी बात समझ में आगे। इट्स मेन फंक्शन इज सिक्रीशन एंड स्टोरेज ऑफ मेनी प्रोडक्ट, इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, किसी भी पदार्थ को सिक्रीट करना, यानी उनको निकालना, उसके साथ साथ उस कई ऐसे पदार्थ होते हैं, कई ऐसे उत्पाद होते हैं जिनको ये क्या करता है, अपने अंदर स्टोर करके भी रखता है, यानी इसका जो मेन फंक्शन होता है क्या होता है, सिक्रीशन एंड स्टोरेज ऑफ मेनी प्रोडक्ट, यानी सिक्रीशन का काम और प्रोडक्ट को स्टोरेज करने का काम ये दोनों कौन करता है, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स करता है। इतनी बात समझ में आई। ये था इसका क्या फंक्शन, ये था इसका क्या फंक्शन। अब अगर आप फंक्शन लिख चुके हों या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिख लीजिएगा, ओके, हम बात करते हैं इसको इरेज करके, बात करते हैं फिगर की, यानी गॉल्जी कॉम्प्लेक्स दिखाई कैसे देता है, ओके। चलिए आइए देखते हैं गॉल्जी कॉम्प्लेक्स दिखाई कैसे देता है। जब आप प्लांट सेल या एनिमल सेल
बनाओगे उसमें आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा, वो स्ट्रक्चर कुछ किस तरीके से होगा, यहाँ पे आप बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा, वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। चलिए यहाँ पे देखिए, ये जो है कुछ इस तरीके का अगर स्ट्रक्चर आपको दिखा, उसमें उसके साथ साथ कुछ ऐसे छोटे छोटे वैक्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर भी आपको दिख जाएंगे यहाँ पे इसके आसपास, ठीक। तो अगर ऐसा स्ट्रक्चर आपको आपके प्लांट सेल में दिखेगा तो ये स्ट्रक्चर किसका है, गॉल्जी बॉडी का। किसका स्ट्रक्चर है, गॉल्जी बॉडी का या फिर गॉल्जी कॉम्प्लेक्स का है, ठीक है ना। तो जो गॉल्जी कॉम्प्लेक्स होती है उसमें हमने बताया था इसके दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट को कहते हैं सिस्टर्नी। तो यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है, इस पार्ट को क्या कहा जाता है, सिस्टर्नी कहा जाता है, ठीक है ना। सिस्टर्नी के नीचे हमने कहा था, सिस्टर्नी के नीचे एक पार्ट होता है जिस पार्ट का नाम क्या होता है, वेसिकल होता है। समझ में आई वेसिकल क्या है, वेसिकल ये वाले पार्ट है जो कि सैक लाइक स्ट्रक्चर है, स्फेरिकल भी है। हमने आपको बताया था स्फेरिकल स्ट्रक्चर होगा और सैक लाइक होगा, यानी एक छोटे से थैलेनुमा होगा, तो थैलेनुमा भी है और स्फेरिकल भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या है, वेसिकल है। और यहाँ पे आप देखिए कर्व शेप्ड है, ये देखिए कर्व शेप्ड दिख रहा है कि नहीं, कर्व शेप्ड और सैक लाइक दोनों चीज यहाँ पे दिख रही है। इस तरीके के स्ट्रक्चर को सिस्टर्नी, और जहाँ पे स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा उसे वेसिकल कहते हैं, ओके। तो ये स्ट्रक्चर आपका किसका है, गॉल्जी बॉडी का। अब रही बात कि अगर इस वीडियो में आपको कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप जाएंगे, वहाँ पे कमेंट करिएगा कि ये चीज़ हमको, ये टॉपिक नहीं समझ में आया। हमने आज पढ़ाया आपको गॉल्जी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, उसके बाद उसका फंक्शन और उसका फिगर, तीन चीज़ बताया इस वीडियो में, ठीक है ना। अगर इसमें से कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिएगा, उसके साथ साथ चैनल बनाए हो तो सब्सक्राइब मत करिएगा, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल का जो एक आइकन दिखेगा उसको भी जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले मिल जाए, इसलिए बेल आइकन आप जरूर दबाइएगा, ओके। थैंक यू क्लास।